हिमाचल पंजाब राज्यों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण चक्की सड़क पुल को दोपहिया वाहनों के लिए खोलने की कवायद शुरू हो गई है, ताकि लोगों को इस सड़क पुल से दोपहिया वाहनों के लिए यातायात की सुविधा मिले। आज एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह ने चक्की सड़क पुल का निरीक्षण किया और इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में जायजा लिया। इस अवसर पर आईआरबी कंपनी के सीजीएम हरप्रीत सिंह व अन्य इंजीनियर्स भी मौजूद रहे। इस बारे में एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह ने बताया, कल इस पुल का आईआरबी कंपनी व इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स की एक टीम पुल के निरीक्षण करेगी व अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा, अब चक्की खड्ड में पानी का लेवल काफी कम है और इसके कुछ पानी को P5 व 6 से डाइवर्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पुल को यातायात के लिए खोलने के बारे में उनकी आईआरबी कंपनी व एनएचईआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि एक हफ्ते में इस चक्की पुल को दोपहिया वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। नमस्कार, पहले तो मेरा आप सभी को आज जो मैंने विजिट किया है आईआरबी कंपनी के साथ विजिट किया है, जिसमें कल मोस्ट प्रोबेबली आईआरबी की इंडिपेंडेंट और एक्सपर्ट्स की टीम आ रही है, जो कि कल अपनी एक रिपोर्ट भी दे देगी। जो हमने आज विजिट करते हुए देखा है कि पानी का स्तर काफ़ी नीचे आ गया है, तो मैंने इनको डायरेक्शंस दी हैं आईआरबी कंपनी को और मेरी पीडी साहब से भी बात हो गई है। तो इसके लिए हम एक थोड़ा सा अल्टरनेट रूट बना रहे हैं, जो कि पानी जो पीछे से आ रहा है वो P5 P6 से निकल जाए और कुछ हम नीचे पाइप्स डाल के उसको अल्टरनेट रूट से निकाल देंगे। और हमारी कोशिश ये है कि हफ्ते के अंदर हम इसको ओपन कर लें टू व्हीलर्स के। लोग कहते थे कि आपने लगाया क्या। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नूरपुर से बलजीत चंबियाल की रिपोर्ट।